हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत जल्दी झटपट बनने वाला नाश्ता, पोहा, जो कि वेट लॉस में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे बनाया है। तो मैंने एक कढ़ाई में हल्का सा तेल डाल करके मूंगफली को मैं रोस्ट कर लूँगी। जब ये रोस्ट हो जाएगा तो फिर इसको मैं निकाल लूँगी और उसी कढ़ाई में मैं सरसों का तेल थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि इसमें तेल थोड़ा ही पड़ता है। फिर जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं सरसों का दाना डाल दूंगी, और जब ये अच्छी तरह से चटक जाएगा तो फिर इसमें मैं प्याज और कटा हुआ हरा मिर्चाई मैं ऐड कर दूंगी, और इसको मैं हल्का हल्का लाल करूंगी। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का ये पक जाए बस उतना ही देर तक इसको मैं पकाऊंगी। ये देखिए, बस इतना ही मैं पकाऊंगी इसको। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी, ज़्यादा मैंने लिया नहीं है, एकदम थोड़ा ही लिया है, और जब तक इसका कच्चापन निकल नहीं जाता तब तक बस मैं इसको मिलाऊंगी। फिर जब ये पक जाएगा उसके बाद मैं इसमें पोहा ऐड कर दूंगी, जिसको मैंने अच्छे से धो करके एक छोटा चम्मच चीनी और आधी चम्मच नमक ऐड करके मैंने रख दिया था 15 मिनट पहले। फिर इसको मैं अब मिला करके थोड़ी देर तक और पकाऊंगी। ये ज़्यादा और पकाना नहीं है, वरना इसका जो पोहा है वो कड़ा हो जाएगा, तो उसको सॉफ्ट रखना है। बस इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी मूंगफली। बस ये ऑलमोस्ट हो चुका है, तो ऊपर से अब मैं इसमें आधा नींबू का रस डाल दूँगी, ताकि इसका स्वाद और अच्छा हो जाए। नींबू डालने से चटपटा लगेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो बस ये हो चुका है, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी ताकि नीचे से जले नहीं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी एक प्लेट में। गर्मा गर्म खाने में तो ये और ज़्यादा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो बस अब मैं ऊपर से नमकीन छींट दूँगी, और जितना पसंद है आपको उतना आप डालिए, हम लोग इसको दालमोठ कहते हैं। और इसके ऊपर से मैं किशमिश भी ऐड करूंगी, ताकि बीच में जब मीठा मीठा आता है ना तो अच्छा लगता है खाने में। अब इसके ऊपर से फिर से मैं नींबू थोड़ा और लगा दूंगी। बस ये खाने के लिए रेडी है। तो आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।